हाँ सर, हमारे पास ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जिसे कहना चाहिए, क्वेश्चन है, टॉपिक है। एक्चुअली अभी तक हम जो एंगल यूज कर रहे थे वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, टू ए, उसकी हम बात कर रहे थे, साइन सी प्लस साइन डी की बात कर रहे थे। अब हम हाफ एंगल की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार देख लो इनको किस तरह से, और फिर इसी पे बेस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के, और एक हमारे पास जो है एग्जाम्पल है। तो ये चार क्वेश्चन सिंपली इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं और एग्जाम्स में आ जाते हैं। एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर की जो मिसलेनियस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, आपके, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो मिसलेनियस का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू 3/4, वेयर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, यानी कि 180 टू 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। और इसी एक्स बाई टू के ऊपर जो भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा उसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है। तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटली 5 क्वेश्चन हैं जो थीटा बाई टू पे हैं। फॉर्मूला हमें थीटा बाई टू का आता होगा तो अब हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 27, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, थीटा बाई टू। ये बस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई एट। तो एग्जांपल 27, एग्जांपल 28 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस द फॉर्मूलाज जो अभी हम डिराइव करेंगे या हम देखेंगे। देखो सर, हमारे पास क्या होता है, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो साइन का है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a। अगर आप इसी फॉर्मूले को करिए, अगर आप इसी को समझें, तो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है डबल है और यहाँ पे जो एंगल है वो सिंगल है। तो लेफ्ट साइड में जो भी एंगल होगा राइट साइड में उसका हाफ हो जाएगा अपने आप। लेकिन चलो इसको लिख लेते हैं कि अगर हम ये कह दें कि 2a is equals to theta, तो a ऑटोमेटिकली थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसे हम फॉर्मूला कहते हैं कि ये थीटा बाई 2 के लिए है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वैसे तो ये फॉर्मूला जो बेसिकली है वो साइन 2a का ही है, लेकिन उसको बस हमने थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, 2a ना कह के उसे थीटा और a को थीटा बाई 2 कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस 2a इज इक्वल्स टू कॉस 2a में हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a। तो इन तीनों का भी अगर फॉर्म चेंज करें, शक्ल चेंज करें, तो तीनों में भी हमारे पास यही आ जाएगा कि cos theta is equals to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, और हमारे पास आ जाएगा 2 cos square theta by 2 minus 1, और इधर आ जाएगा 1 minus 2 sin square theta by 2। तो ये cos थीटा के तीन फॉर्मूले हो गए। और लास्ट जिस पे हमारे पास एग्जांपल 27 है, हमें मालूम है tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a होता है। tan a plus b से ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में ड्राइव किया। यहाँ पे भी अगर हम 2a को थीटा ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई। क्या ये फॉर्मूले सबको क्लियर हो गए? ठीक है जी, यस सर। लिख लेते हैं इन फॉर्मूलास को, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अपनी शीट पे लिख लीजिए दोबारा से। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। cos theta is equals to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 cos square
थीटा बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हमारे पास। दूसरा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, सिंपल। तो ये हमारे पास ये पांचों फॉर्मूले लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल। असल गाना नोट कर लिए। देखो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल 27। एग्जांपल 27 क्या है मेरे पास, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाय 8। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो रहा हो तो पाई बाय 8 जो है वो पाई बाय 4 का हाफ है, पाई बाई फोर का हाफ। तो अगर हम यहाँ पे थीटा ध्यान से देख लीजिए, थीटा अगर हम पाई बाई फोर ले रहे हैं, पाई बाई फोर मतलब 45, तो थीटा बाई टू जो होगा दैट इज अवर पाई बाई एट। बस इतना सा ही है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, अब हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टेन थीटा की वैल्यू हमने कहा 45 यानी कि पाई बाई फोर, तो टेन पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू टेन पाई बाई एट अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट। यस और नो? यस सर। अभी आपने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया है, आपने सिंपली फॉर्मूला लिखा है कि tan थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर हम थीटा को पाई बाय 4 ले रहे हैं तो थीटा बाय 2 विल बी पाई बाय 8। tan पाई बाय 4 कितना होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? पाई बाय 4 मींस 45। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने आसानी के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, हम tan पाई बाई 8 को x सपोज कर ले रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे नजर आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये वाली बात भी सही है क्या सब बच्चों के लिए? ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा, 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सबको एक साइड करो तो x स्क्वायर प्लस में होगा, 2x भी प्लस में होगा, लेकिन 1 माइनस में होगा, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे नजर आएगा तो फॉर्मूले से जो हम सॉल्व करते हैं, x is equals to minus b plus minus under root b का square minus 4ac upon 2a, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है minus 2 plus minus, अंदर से हमें क्या मिलेगा, अंदर से हमें मिलेगा under root 8, और under root 8 जो होता है वो 2 root 2 होता है, और अपॉन में आएगा 2, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्या ये वाली बात सबको सही है, समझ में आ रही है? तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 प्लस रूट 2, और हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 माइनस रूट 2। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन कोई मुझे बताएगा tan पाई बाई 8 कौन से क्वाड्रेंट में है? हाँ भाई, tan pi by 8 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अरे 45 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 45 किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटे?
थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ। अल्लाह रहम करे, 45 फोर्थ में होगा, फर्स्ट में होगा? फर्स्ट में। तो उसका हाफ 22 एंड हाफ, वो भी फर्स्ट में होगा, तो 10 पाई बाय 8 इन फॉर 1 इज पॉजिटिव। तो हम यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2। x को हमने कहा था 10 पाई बाय 8, तो 10 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2। और अगर आप रूट 2 को पहले लिखेंगे तो रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से आप कर सकते, चेक करो अपना क्वेश्चन। देखो नजर आ रहा है, नोट करिएगा।